अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हमें चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है वो है टू। टू का मतलब होता है भी। ट्रांसलेशन देखें, आपके बुक का पेज नंबर 24 है। दिस इज़ अ बकेट, बकेट कहते हैं बाल्टी को, ये एक बाल्टी है। दिस इज़ अ बकेट टू, ये भी एक बाल्टी है। दिस इज़ अ बेसन, ये एक बर्तन है। दिस इज़ अ बेसन टू, ये भी एक बर्तन है। दिस इज़ अ पार्सल, ये एक पार्सल है, पार्सल को पलंदा भी कह सकते हैं। दिस इज़ अ पार्सल टू, ये भी एक पार्सल है। दिस इज़ अ विसल, ये एक सीटी है। दिस इज़ अ विसल टू, ये भी एक सीटी है। दिस इज़ अ सेंटीमीटर, ये एक सेंटीमीटर है। एंड दिस इज़ अ सेंटीमीटर टू, और ये भी एक सेंटीमीटर है। उमर इज़ पेंटिंग, उमर नक्श बना रहा है। एंड मारूफ इज़ पेंटिंग टू, और मारूफ भी नक्श बना रहा है। उज़्मा इज़ डांसिंग, उज़्मा रक्स कर रही है। एंड ज़ेब इज़ डांसिंग टू, और ज़ेब भी रक्स कर रही है। डांसिंग का मतलब होता है रक्स करना। द बॉय इज़ नीलिंग, नीलिंग का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना। लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ है। एंड द गर्ल इज़ नीलिंग टू, और लड़की भी घुटनों के बल बैठी हुई है। ज़ेब इज़ सीइंग, ज़ेब सी रही है। एंड उज़्मा इज़ सीइंग टू, और उज़्मा भी सी रही है या सिलाई कर रही है। द कैट इज़ एस्लीप, बिल्ली सो रही है। एंड द बेबी इज़ एस्लीप टू, और बच्चा भी सो रहा है। हमारे पास सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इस फर्स्ट सेंटेंस को फॉलो करते हुए हमने बाकी के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल, मारूफ हैज़ अ वाइट शर्ट, के मारूफ के पास सफ़ेद कमीज़ है। एंड उमर हैज़ अ वाइट शर्ट टू, और उमर की भी सफ़ेद कमीज़ है। इसी तरह हमने बाकी के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे उज़्मा इज़ वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, एंड ज़ेब इज़ वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस टू। मारूफ इज़ होल्डिंग अ ब्लैक बुक, एंड उमर इज़ होल्डिंग अ ब्लैक बुक टू। उज़्मा हैज़ अ बास्किट, एंड ज़ेब हैज़ अ बास्किट टू। मारूफ इज़ वेयरिंग ब्लैक शूज़, एंड उमर इज़ वेयरिंग अ ब्लैक शूज़ टू। उज़्मा इज़ वेयरिंग वाइट सॉक्स, एंड ज़ेब इज़ वेयरिंग वाइट सॉक्स टू। आपने कुछ वर्ड्स देखे जिनमें डबल ओ यूज़ होता है स्पेलिंग में, एम डबल ओ एन, मून। ये जब हम मून को बोलते हैं तो ओ जो है वो लॉन्ग साउंड देता है। मून, रूम, रूट, स्पून, स्कूल, टू, ये वो वर्ड्स हैं जिनमें डबल ओ अगर यूज़ हो तो वो लॉन्ग साउंड में आता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम डबल ओ यूज़ करें तो वो शॉर्ट साउंड देते हैं। जैसे बुक, कुक, फुट, लुक, गुड एंड वुड। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आपने इसकी ट्रांसलेशन और इसकी डिक्टेशन, वर्ड्स मीनिंग सब अच्छे से याद करना है। कुछ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पर हैं आपके सामने। बकेट बाल्टी, पार्सल पार्सल, विसल सीटी, सीइंग सी रहा, पेंटिंग नक्श बना रहा, बेसन बर्तन, डांसिंग नाच रहा, नीलिंग घुटनों के बल बैठना, एस्लीप सोना। वर्ड सेंटेंसेस हैं सीइंग, आई एम सीइंग अ शर्ट, मैं एक कमीज सी रही हूँ या सी रहा हूँ। एस्लीप सोना, द बेबी इज एस्लीप, बच्चा सो रहा है। नीलिंग, द बॉय इज नीलिंग, लड़का घुटनों के बल बैठा हुआ है। पेंटिंग, उमर इज पेंटिंग, उमर नक्श बना रहा है। इसके बाद हमारे पास है मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में होंगे पेज नंबर 68 पे। मैस्कुलाइन होता है मेल, मुजक्कर को कहते हैं, और फेमिनाइन फीमेल यानी मोनिस को कहते हैं। बॉय, बॉय का फेमिनाइन क्या होता है, गर्ल। बुल काउ, डॉग बिच, हीरो हीरोइन, मैन वुमेन, अंकल आंट
एक्टर एक्ट्रेस प्रिंस प्रिंसेस ही गोट शी गोट मिल्कमैन मिल्कमेड मिस्टर मिसेस सर मैडम। ये वन लाइन आपने लर्न करनी है अच्छे तरीके से और होमवर्क पर आपने राइट करनी है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। इसे नीटली राइट कीजिएगा और आपने अपना तमाम होमवर्क स्कूल में सबमिट करवाना है और आपने अपने लेसन को डेली बेस पर याद भी करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।